नो यस भाई, अरे भाई वो तूफान से तेज है भाई। जिंदा नहीं। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। ओके मेरा भाई, थैंक्स। हल्का से थोड़ा से अप मिलेगा, थोड़ा थोड़ा से। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओके, थोड़ी देर के लिए कॉम्बॉक्स को विश्राम देते हैं, नमाज का समय है, 5 मिनट के बाद कॉमेंट्री आपको सुनने मिलेगी।
हेलो हेलो चेक हेलो चेक हल्का सा हेलो 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 चेक हेलो चेक। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अंसारी प्रीमियर लीग सीजन 5। यहाँ पर चलता हुआ गेंदबाजी भी आपको मेहताब नजर आ रहे हैं, स्ट्राइक पर फैज नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है मौसम बिगड़ने वाला है, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। और अंसारी प्रीमियर लीग सीजन 5 की मैं क्या तारीफ करूं, बुमराह के इतिहास में 5 बॉल, 1 बॉल टू कम, 47 रन, 5 बॉल, 1 बॉल टू कम इन दिस ओवर। और गेंदबाजी कमान पर मेहताब, बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर छक्का लगाते हैं अनीस तो 200 रुपए की इनामी राशि है भाई, कम नहीं करना है प्लीज भाई, प्लीज प्लीज। और 200 आसिम वाचा की तरफ से भी है, टोटल 400 रुपए की इनामी राशि है। और यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 47 रन बने हैं, 48 रन टू विन। इसके बाद का जो मैच होगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हन्नान वॉरियर्स एंड इराकी वॉरियर्स। क्या बात है, इराकी वॉरियर्स की बात करें तो अंसारी प्रीमियर लीग सीजन 4, अंसारी प्रीमियर लीग सीजन 3, एक ही कप्तान, एक ही आइकॉन, एक ही विजेता। और यहां पर मैं बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए हन्नान वॉरियर्स एंड इराकी वॉरियर्स। कैप्टन क्विकली टॉस के लिए आ जाना है। अच्छा, आइकॉन विजेता टीम अलग अलग है, मतलब रफीक सर बोल रहे कि मेरा भाई चैंपियन है, बाकी तुम किधर भी लगा दो। चलिए दोनों आ जाओ भाई, कैप्टन क्विक आ जाओ भाई, थोड़ा डिसिप्लिन को क्विकली अच्छे से समझ के लेना। ये अंसारी प्रीमियर लीग है, से मुंबरा का वर्ल्ड कप कहा जाता है टर्फ क्रिकेट का, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से काफी स्ट्रिक्ट है, सीरियस है। जहीर भाई टॉस के लिए आ जाए प्लीज, जहीर भाई। और हन्नान वॉरियर्स एंड इराकी वॉरियर्स दोनों ही कैप्टन्स। जावेद भाई टॉस हो गया, दोनों कैप्टन्स आ चुके हैं। और क्या बात है, अंपायरिंग की भूमिका में आज हमें क्रिकेट से जुड़े हुए मुंब्रा शहर से ताल्लुक रखने वाले दो बहुत बड़े नाम है। टॉस जीता है हन्ना ने, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। एक है फैयाज सर और दूसरे है अजीम सर। और बात करें अजीम सर और फैयाज सर की, बिल्कुल बॉलर जब घर से निकले थे बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन हमारे अंपायरिंग पैनल को देखकर, तीसरे जावेद भाई भी है बिल्कुल पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, आज बॉलर खुल के यहां पर बॉलिंग नहीं कर पाएंगे भाई। और कल के दिन अंसारी प्रीमियर लीग इस बार जो डेट की सिलेक्शन की गई है, आप सभी को पता है कल के दिन एक बहुत बड़ा यहां पर अवसर है। हमारे हाजी साजिद अंसारी साहब जिनके नाम पर, जिनके मार्गदर्शन में इस प्रतियोगिता को सजाया जाता है, कल उनका जन्मदिन है। और अंसारी प्रीमियर लीग की क्या कहने, बहुत से टूर्नामेंट होते हैं, बहुत से मैचेस होते हैं, हर हफ्ते ये खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन ये मंच अलग है, ये मंच बड़ा है, यहाँ पर बड़े खिलाड़ी बनते हैं। कहते हैं ना, बड़ा खिलाड़ी बड़े रन नहीं बड़ा मंच ढूंढता है, ये बड़ा मंच सजाया है। और इस वक्त स्ट्राइक पर है रेहान, सामना करेंगे कहा तो छोटा पॉकेट साइज पावर हाउस छोटा मोहम्मद। कैच का मौका और अनीश शायद कैच पकड़ते तो छूट सकता था, इसलिए गौरव ने बोला मैं ही पकड़ लेता हूं। 48 विन है जावेद भाई, माशाल्लाह। साजिद भाई जावेद अंपायर के बॉडी पे जो अंसारी प्रीमियर लीग निखर के आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, उसकी वजह मैं आपको नहीं बताऊंगा। अवैध जिंदानी के इस पे भी निखर कर आ रहा है, जो इनके बॉडी पे माशाल्लाह जो जर्सी जच रही है अंसारी प्रीमियर लीग खुल के आ रहा है जावेद भाई की बॉडी पे।
मुस्कुराते हुए, ये शादी के बाद के साइड इफेक्ट्स हैं। अवे जिंदा नहीं तेरे लिए शायरी भी है। अवे जिंदा नहीं मेरे बहुत पुराने दोस्त है, उनके मोबाइल में नेटवर्क थोड़ा कम है आजकल, यस इसीलिए मैं लेट आया। भाई सही करो, वॉल्यूम दे दो भाई, इधर आवाज नहीं आ रही भाई लोग को। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दूर से बोलता हूं। छोटा मोहम्मद सामने अमान, देखिए अमान ये बल्लेबाजी में उड़ाते विमान, ये बेहतरीन बल्लेबाज है। इनका बल्ला चल गया तो सिर्फ ताली बजाने पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे बल्लेबाज। लेकिन सामने छोटा मोहम्मद, नन्ना मोहम्मद, क्या टीम है यार, सितारों से बड़ी टीम। एक ही टीम में मुझे चार पांच बड़े खिलाड़ी नजर आ रहे। क्या बात है, बड़े खिलाड़ियों की बात चली थी, मोहम्मद ने कहा मेरा नाम भूल गया। भले अयुब लेफ्टी है, शहजान है, आरिफ भाई है, बेटू है, फैज है, लेकिन एक नन्ना सा खिलाड़ी जो हमेशा ही अपनी छाप छोड़ता है, जो मैच में वो पार्टिसिपेट करता है, छोटा मोहम्मद। नाम छोटा है, काम काफी बड़े करता है। और दोस्तों इस बार अंसारी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स टर्फ में, हाल ही में फ्रेंड्स टर्फ का रेनोवेशन किया गया है, और फ्रेंड्स टर्फ को बिल्कुल एक तीन बॉल बिल्कुल बात करेंगे, फ्रेंड्स टर्फ की भी बात करेंगे। और इस वक्त स्ट्राइक पर है लेफ्टी अमान, अमान गए अमान आए, एक अमान गए दूसरे अमान आए। क्या बात है छोटा मोहम्मद, बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल सही टप्पे पे, सही टर्न मिली, सही पेस पे गेंदबाजी हो रही है। और ये जो गेंदबाज का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बल्लेबाज की इस वक्त खतरे की घंटी बजाता हुआ ये गेंद। अच्छा शॉट है, आधे दिल से मारा था, लेकिन ये कोई प्यार नहीं है कि आधे दिल से करोगे तो नहीं मिलेगा, ये क्रिकेट है, यहां पर आधा बल्ला भी लगाओगे तो छक्का मिल जाएगा। और अमान क्या शॉट लगाया, आखिरी बॉल है, छोटा मोहम्मद पांच गेंदों में सात रन खर्च किया, पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। क्या बात है, एक तेरी एक मेरी है गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल है, चील, ये दोबारा डालनी होगी, ये अच्छी गेंद थी, लेकिन अंपायर फैयाज का इशारा आता हुआ कि व्हाइट बॉल है। ओहो हो, काफी नजदीकी मामला था। और कैच तो छोड़ो, बाबा खुश थे कि मैंने बॉल पकड़ लिया, अनिश थे सॉरी। और इस बार वेन्यू जो चूज किया गया फ्रेंड्स टर्फ, हाल ही में रेनोवेट किया गया है, और बिल्कुल यहां पर आयोजक बहुत खुश है कि फ्रेंड्स टर्फ में उन्हें मौका मिला इस बार आयोजन करने का। फ्रेंड्स टर्फ की बात करें, सिर्फ क्रिकेट नहीं, आप बर्थडे पार्टीज, ऑक्शंस, फैमिली फंक्शन, जो किसी भी प्रकार के आपके घर में फंक्शन होते हैं, आप उस वेन्यू के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स टर्फ का चयन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रेनोवेशन किया गया है, हाइट बढ़ाई गई है, लेंथ बढ़ाई गई है, डायमेंशंस बढ़ाए गए हैं, और इस बार अंसारी प्रीमियर लीग ने भी चयन किया है कि फ्रेंड्स टर्फ पे हमारा सीजन 5 का आयोजन किया जाए। ओहो नया बॉलर गौरंग, जैसा नाम वैसे काम, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। और बल्लेबाजी की कमान पर है मेहताब, मेहताब एक ऐसा बल्लेबाज है कि अगर बल्ला चलता है तो चलता है, नहीं तो मेहताब सीधा मैदान के बाहर चलता है। 9 मिनट है भाई, फील्डिंग टीम 9 मिनट है भाई, जावेद सर का कॉल आ गया, 9 मिनट बचे। क्या बात है, वाइड बॉल पे वेल बॉल का एप्रिसिएशन, ये तो अयुब लेफ्टी कर सकता है। नो बॉल है, यस बिल्कुल, बिना कोई गेंद के 2 रन लगा दिए स्कोर कार्ड पर।
ओहो नजदीकी मामला था, अमान थे, अमान की विकेट गिराना नहीं चाहते थे मेहताब। इनका भी विकेट काफी महत्वपूर्ण है। देखिए बड़े मैच में ये अच्छा बल्लेबाज है, मुमरा का एक बेहतरीन बल्लेबाज। अगर इनका बल्ला चलता है तो क्या खूब चलता है, बिल्कुल आपको बहुत मजा आएगा अगर मेहताब फॉर्म में नजर आएंगे। शॉट है, कैच है, मौका है, ले लिया है और मेहताब की पारी यहां पे हुई है समाप्त। बिल्कुल मेहताब फ्रेश पेयर ऑफ ग्लव्स पहनकर आए थे, ऐसा लगा कि आज कुछ देखने मिलेगा लेकिन सिर्फ ग्लव्स ही देखने मिले। और इस वक्त नए बल्लेबाज सुशांत है, सुशांत क्या बात है, सुशांत बिग मैच प्लेयर, मट्टी की विकेट का एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, बिल्कुल सऊद भाई का पार्टनर। ये सब बॉक्स के पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने बॉक्स में बहुत नाम बनाया है, अब टॉप क्रिकेट में भारी है इनका नाम बनाने की। सुशांत गेंदबाजी बेहतरीन करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन देखते हैं आज इनका क्या दिन है, क्या चल पाएंगे। क्या बात है गौरंग, गौरंग मैच विनर है, ये मैच विनर गेंदबाज है, ये मैच पलट देते हैं। क्या बात है, सीधा एक्शन है, सीधी गेंदबाजी है, कोई फैंसी गेंदबाजी नहीं और रिजल्ट मैक्सिमम। अच्छा शॉट, रनआउट का मौका, सिंगल अटेम्प्ट में गेंद आई नहीं हाथ में और एक रन देके स्ट्राइक रोटेट किए अमान के हाथ में, अब स्ट्राइक आई है। अमान एक बेहतरीन बल्लेबाज मालूम हो रहा है जिस प्रकार से उन्होंने पहला छक्का लगाया था, और गौरंग के सामने आसान नहीं होगा, लेकिन देखते हैं गौरंग क्या वेरिएशन लाएंगे। लेग कटर गेंदबाजी, लेफ्टी बल्लेबाज, एडवांटेज तो है बॉस। क्या बात है यार अय्यूब, लेफ्टी यार क्या बात है, क्या फील्डिंग है, क्या फुर्ती है और कमाल है, धमाल है, लाजवाब है। अय्यूब लेफ्टी आपके लिए, दो ओवर की समाप्ति, 11 रन, 4 विकेटे। और अभी अभी स्टेज पे आवाज आई है बासित की, बासित जिन्होंने बहुत यंग उम्र में रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था अंसारी प्रीमियर लीग जरूर खेलूंगा, और देखते हैं आज उनकी एकेडमी में यहां से कितने एडमिशन होंगे। बासित को किसी ने बोला भाई जूते फट गए, बासित ने बोला एपीएल में लेके आता हूं, मैन ऑफ द मैच के जूते। ये मार्केटिंग है भाई, ये बोलना पड़ता है बासित भाई तुम। अरे मिल गए गिफ्ट है भाई, क्या बात है, ऐसा लग रहा है कोई मिल गया का जादू आ गया भाई, ये टीम में कोई भी उछल रहा है, कोई भी हिट मार रहा है, स्टंप पे लग रहा है। फैस पोलार्ड, देखिए फैस पोलार्ड की गेंदे खेलना आसान नहीं है क्योंकि इतने गुस्से में देखते हैं बल्लेबाज वैसे ही डर जाता है। अभी बहुत मैच है बेटा, 2 ओवर 4 बॉल 14 रन, 4 विकेटे 8 बॉल 34 रन। अरफात मोंटी छक्के लगेंगे, चौके और दुक्के से काम नहीं होगा। नो बॉल भाई, मैच जीत चुके हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, अभी भी मैथमेटिकली मैच ऑन है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। फैस पोलार्ड क्या बात है, साइड चेंज किए, देखते कितना इफेक्टिव होगा। अरफात मोंटी है स्ट्राइक पर, अच्छी गेंदबाजी, ऐसा लगा बल्ले का शायद किनारा लगा था,
लेकिन ये गेंद इंपॉर्टेंट ये है कि डॉट रही, इस पे मोहर लगी डॉट की। और फैज पुलाड ओवर खत्म ही नहीं हो रहा है, तो पापा जी की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, वैसे पापा जी की करा ओवर खत्म ही नहीं होता फैज पुलाड का। बड़ा शॉट है, नूर है, गेंद दूर है और ये मजबूर है एक ही रन से, और अब 6 गेंदे 30 रन। ये समय पर वदूद को बॉलिंग मिलती है। देखिए वदूद सबको जाके बता रहे कि मुझे बॉलिंग मिली एपीएल में, लेकिन सूत्रों से पता चला 6 बॉल 30 का मैच था। और आज ये जो सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग दिखाया जा रहा है एनएसटी लाइव के माध्यम से, आपको लाइव स्ट्रीमिंग यहां पर दिखाया जा रहा है एपीएल सीजन 5। और काफी अरसे बाद दो पुराने चेहरे नजर आए कैमरे के पीछे, हमारे मुमरा के एक बहुत ही बड़े स्कोरर है जो कि स्कोरिंग भी करते हैं, बड़ी बड़ी टीमें बनाते हैं, ताहिर नाम है। और बात करें मुमरा के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर जिनके कंधे में थोड़ा सा जख्म है अभी, कैमरे के पीछे बैठे जीशान भाई और ऑफिशियल स्कोरर ऑफ मुमरा हमारे सैफ। कैच है और बन गई है 5 बॉल 30 रन।